Hello students, in this video we will discuss refractive index of the material of the glass prism. Means prism for glass prism, simply. Suppose incident ray PQ, emergent ray RS, angle of emergent, angle of incidence, angle of deviation and NE are the normal. Give this angle please. हम इस ट्राइंगल को लेते हैं ए क्यू आर, ट्राइंगल ए क्यू आर, बिकॉज इट इज नॉर्मल तो ये टोटल एंगल होगा 90. अगर 90 में से मैं किसको माइनस कर देता हूं आर को, तो मेरे पास ये एंगल बचता है डबल वाला. तो इस एंगल को हम बोलेंगे 90 माइनस आर को प्लस ए, तीनों एंगल का सम बने थे, मैंने यही लिखा है. कैसे? एंगल 90 माइनस आर वन प्लस 90 माइनस आर टू प्लस ए 180 डिग्री. इसको मैंने सॉल्व किया, 90 प्लस 90 180 कैंसिल हुआ, माइनस हो गया राइट साइड में जाकर, तो बचता है माइनस आर टू माइनस आर वन प्लस ए माइनस आर वन प्लस माइनस आर टू प्लस मीन्स आर वन प्लस आर टू प्लस ए आर वन प्लस आर टू प्लस ए हमारी इक्वेशन टू होगी. अब हम ट्रायंगल लेते हैं बी क्यू आर, ये ट्रायंगल लेते हैं. पहले लिया हमने ए क्यू आर, अब हम लेते हैं ये भी आर, लेते हैं जी क्यू आर, ये ट्रायंगल लेते हैं. इस ट्रायंगल के दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के इक्वल होगा. दिस एंगल इज आई वन, सो दिस एंगल इज आई वन, आई वन माइनस आर वन. मैं अभी एंगल लेता हूं आई वन माइनस आर वन, एंड सिमिलरली आर टू माइनस ई माइनस आर टू, आई माइनस आर वन ये एंगल, ई माइनस आर टू ये एंगल विल बी इक्वल टू डेल्टा. ये मैंने यूज किया आई माइनस आर वन ई माइनस आर इज इक्वल टू डेल्टा. ये फॉर्मूला होता है, सपोज हमारा ये एंगल है, ये एंगल है, दिस इज डेल्टा, दिस इज आई माइनस आर वन, दिस इज ई माइनस आर टू, इंटीरियर एंगल का सम प्लस एक्सटीरियर, ये मैंने यूज किया आई प्लस ई, आई प्लस माइनस कॉमन लिया है आर वन प्लस आर टू इक्वल्स डेल्टा. हमारे पास दो इक्वेशन है. अब हम ये आर वन प्लस आर टू की वैल्यू इक्वेशन टू से यहां पुट करते आई प्लस ई और ये हो गया माइनस ए इक्वल्स डेल्टा. इक्वेशन थ्री आ गई वन टू को यूज करें. अब हमने कंडीशन अप्लाई की कि प्रिज्म मिनिमम डेविएशन दे रहा है. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, अगर प्रिज्म मिनिमम डेविएशन देता है तो फिर आई इक्वल्स ई होगा एंड आर वन इक्वल्स आर टू होगा, और इस मिनिमम डेविएशन देंगे तो मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में डेल्टा डेल्टा हुआ ए इक्वल्स बी हुआ आर वन इक्वल आर टू सपोज आर है. तो ये सारी कंडीशन हमने अप्लाई कर ली इक्वेशन टू एंड थ्री. इक्वेशन टू आर वन प्लस आर टू मीन्स आर प्लस आर इक्वल्स टू ए, टू आर इक्वल्स टू ए, सो आर इक्वल्स ए बाई टू. फिर मैंने क्या कंडीशन यूज की है, ए इक्वल्स बी, आई प्लस ई, आई प्लस ई, ये कंडीशन यूज किया मिनिमम डेविएशन में. इंसिडेंट एंगल, इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंट इक्वल होते हैं, तो मैंने इसको यहां लिखा आई प्लस आई, ई इक्वल्स आई, आई प्लस आई टू आई, ए को इस तरफ ले रहे हैं और डेल्टा को लिखा डेल्टा एम प्लस ए, डेल्टा एम प्लस ए इस तरफ हो गया आई प्लस आई टू आई. तो ये आई की वैल्यू होगी हमारी ए प्लस डेल्टा एम बाई. अब हमने इस नैंगल यूज किया साइन आई को साइन आर इक्वल्स न्यू, न्यू मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, और इसमें आई एंड आर की वैल्यू दोनों पुट की, ये हमारा प्रिज्म फॉर्मूला है न्यू इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए. अगर क्या हो इफ प्रिज्म इज बेंट, प्रिज्म थिन हो, थिन प्रिज्म हम किसको बोलते हैं, जिसका प्रिज्म एंगल 5 डिग्री या उससे भी कम हो उसको हम थिन प्रिज्म बोलते हैं. तो इन दैट केस साइन आई में रिटर्न एज आई एंड साइन आर में रिटर्न एज आर, सो लिविंग द साइन
इफ वी सॉल्व इट, अगर हम इसको सॉल्व करें टू कैंसल, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा इनवर्स म्यू माइनस वन इंटू ए। दिस इज द डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है वन मार्क्स के लिए, डेल्टा इक्वल्स म्यू माइनस वन इंटू ए। थैंक यू।